नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में अमायजी थाना क्षेत्र में मंदिर में पूजा कर रही 54 वर्षीय महिला के साथ युवक ने अश्लील हरकत की। मामले में पुलिस ने आरोपी यासिन अली निवासी पश्चिम बंगाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस को महिला ने बताया कि सोमवार को शाम 6 बजे घर के पास बने शिव मंदिर पर दर्शन करने गई थी। मंदिर के अंदर नीले रंग की शर्ट पहने हुआ एक व्यक्ति सो रहा था। मैं दिया बत्ती कर रही थी, तभी उसने पीछे से मुझे पकड़ा। मुड़कर देखा तो कपड़े खींचने की कोशिश करने लगा। महिला ने आगे बताया कि मैं चिल्लाई तो आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आए और मुझे बचाया। जैसे ही घटना की सूचना हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को मिली तो वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमायजी थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल के पास में एक महिला के साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक आरोपी जो कि लगभग 25-26 साल का व्यक्ति बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है, उसको कुछ भी बताया जा रहा है कि परिवार का परिणाम जी। आरोपी वेस्ट बंगाल से मालदा जिले का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि इससे पहले पूर्व में राजस्थान में टेंट का काम कर चुका है और यहाँ पर भी कुछ कबाड़ी का अन्य काम करता है। और वो प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर भी समझ में आ रहा है, जिसके अनुसार उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।